एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज याकिन, लिखे हैं बोज याकिन। इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी जैपेस्काई और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेडरिक थॉरेवल। इस मूवी को म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी जैपेस्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है और कैथरीन चैन एज मियाई के रोल में और सैंडोर टीसी एस इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में और डैनी लैंग एज लिंक के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकॉन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया।
इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सीज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सीज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में,
और एगी ली एस क्यूएन चैंग के रोल में और डेनी होच एस जूलियस बैरक्वाउ के रोल में और डैनी लैंग एस लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एस शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एस ट्राइट हेस्टकॉन के रोल में और एनसोन माउंट एस एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एस वीसली डॉसचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहाँ ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिससे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं
बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए बोज याकिन, लिखे हैं बोज याकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए, और कैथरीन चैन एज मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉसचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं,
जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है, उन्होंने वुल को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुँचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $42.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है।
हन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को खत्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी जैपैस काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी
की है स्टीफन सीजैप स्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टिसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और एगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरक्वाउ के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी
$30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मेई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज याकिन, लिखे हैं बोज याकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी जैपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमैटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी जैपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है।
मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है, केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फमेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेमियाकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टिस्सी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी किन एज सी
शिमिया किन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टर कौन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉसेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिससे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को खत्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है, इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता। मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में
कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुँचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रेमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बोरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण
ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को खत्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी
की है स्टीफन सीजैप स्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसोन सैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टिसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरक्वाउ के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉसचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी
$30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मेई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ याकिन, लिखे हैं बोज़ याकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $42.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का
पीछा किया जाता है, जहाँ ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है, केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है, इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेमियाकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मयाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट
हेस्टर कॉन के रोल में, एन सून माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉसचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है, इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कॉन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज याकिन, लिखे हैं बोज याकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ापेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमैटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ापेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकॉन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है, इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता। मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में
कप्तान वुल्फमेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सीज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सीज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण
ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को खत्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेमियाकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी
की है स्टीफन सीज़ैप स्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टिसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरक्वाउ के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉसेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली। इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चोंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है। क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CIA में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी
$30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट, और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स, और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है, जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $30 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $42.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए, और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में, और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में, और चेरिस सैरेंडन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में, और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में, और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में, और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में, और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में, और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में, और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में, और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में, और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में, और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, इससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक
चेमकिन को पहचानते हुए और मेई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मेई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता। मेई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मेई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मेई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने पुल को अपने चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेमियाकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है जिससे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मेई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है साथ में वे तिजोरी तक पहुँचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मेई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 6.5/10 रेटिंग दिया है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सीजे पास्काई और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है IM ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सीजे पास्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 minutes और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 million रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर आए और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जीजीकिन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉस चेस्की के रोल में।
तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली, जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डोचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डोचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं, जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है, जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वान अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपने चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रायड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो
फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन। इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल। इस मूवी को म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टीसी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंची को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता। मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ ऋण दिया था।
ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चिमायकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलो को सेट करता है जिससे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 1 आवर एंड 34 मिनट की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स सेफ ये 2012 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए बोज़ियाकिन, लिखे हैं बोज़ियाकिन, इस मूवी को प्रोड्यूस किए लॉरेंस बेंडर, डैनी ब्रूनेटी और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, कैथरीन चैन और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए स्टीफन सी ज़ेपेस्काई और इस मूवी को एडिट किए फ्रेडरिक थॉरेवल, इस मूवी में म्यूजिक दिए मार्क मदर्सबर्ग, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है आईएम ग्लोबल, लॉरेंस बेंडर प्रोडक्शंस, ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शंस और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन सी ज़ेपेस्काई और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की लायंस गेट और यह मूवी 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 95 मिनट्स और यह यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश मैंडेरियन रशियन लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $30 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40.6 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैसन स्टैथम एज ल्यूक राइट के रोल में नजर है और कैथरीन चैन एज ए मियाई के रोल में और सैंडोर टिस्सी एज इमेला डॉचेस्की के रोल में और चेरिस सैरेंडोन एज मेयर डैनी थ्रीमेलो के रोल में और रॉबर्ट जॉन बुरेक एज कैप्टन वॉल्फ के रोल में और जेम्स हॉन्ग एज हैन जियो के रोल में और रेगी ली एज क्यून चैंग के रोल में और डेनी होच एज जूलियस बैरकोव के रोल में और डैनी लैंग एज लिंग के रोल में और इगोर जी जी किन एज शिमियाकिन के रोल में और डेविड किम एज ट्राइट हेस्टकवन के रोल में और एनसोन माउंट एज एलेक्स रोसेन के रोल में और जोसेफ सिकोरा एज वीसली डॉचेस्की के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स पूर्व पुलिसकर्मी और पुंजेर के लड़ाकू ल्यूक राइट ने अनजाने में एक निश्चित लड़ाई जीत ली जिससे रूसी माफिया के प्रमुख एमिल डॉचेस्की नाराज हो गए। सजा के रूप में डॉचेस्की के बेटे वसीली और उसके पुरुष राइट की गर्भवती पत्नी को मार देते हैं फिर किसी को भी मारने का वादा करते हैं जिससे वह नियमित रूप से बात करता है। एक बेघर आवारा बनकर ल्यूक अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। इस बीच चीन में मई एक युवा गणितीय कौतुक का अपहरण ट्रायंड बस हॉन जियो के लिए काम करने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। हॉन अपने आपराधिक उद्यम के ट्रेस करने योग्य डिजिटल पंछी को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। वह क्रूर गैंगस्टर क्वान चौंग की देखभाल में उसे न्यूयॉर्क शहर में भेजता है। एक साल बाद हॉन चीन से आता है। मई को एक लंबी संख्या याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर
प्राप्त करने के रास्ते में रूसी माफिया द्वारा उनके वाहन घर पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर की मांग करता है, लेकिन मई ने मना कर दिया। इससे पहले कि वे उससे और पूछताछ कर सके, उन्हें पुलिस द्वारा बंधित कर किया जाता है, जिसे भ्रष्ट कैप्टन वुल्फ द्वारा भेजा जाता है जो हॉर्न के लिए काम करता है। मई भ्रम के दौरान भाग जाता है। रूसिया द्वारा पास के मेट्रो स्टेशन का पीछा किया जाता है, जहां ल्यूक आत्महत्या के बारे में सोचता है। अपनी पत्नी को मारने वाले पुरुष में से एक चेमकिन को पहचानते हुए और मई के संकट को देखकर ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चेमियाकिन और अन्य रूसियों को मारता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाता है। केवल पुल के लिए काम कर रहे दो भ्रष्ट जासूसों द्वारा रोका जाता है। ल्यूक आता है और जासूसों को अक्षम करता है। इससे पहले कि वह कुछ रूसियों को भेजता, मई को इसके अच्छे इरादों के बारे में समझता है। एक होटल में छिपकर मई ल्यूक को नंबर बताता है, जो अनुमान लगाता है कि यह एक संयोजन सुरक्षित करने के लिए कोड है। हालांकि क्वन अपने सेल फोन के माध्यम से मई को ट्रैक करता है और एक मोड़ के दौरान उसके साथ भाग जाता है, क्योंकि ल्यूक कौन के आदमियों से लड़ता है। शहर भर में कप्तान वुल्फ मेयर डैनी ट्रेमेलो से मिलते हैं, जिन्होंने सीखा है कि ल्यूक शामिल है। उन्होंने वुल्फ को अपनी चेतावनी दी, यह समझाते हुए कि ल्यूक एक नियमित पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सरकार के लिए एक ब्लैक ऑफ हैटमैन ने 9/11 के तुरंत बाद CI में दोस्तों पर ट्रेमेलो को अपने पूर्व साथी एलेक्स रोशन के साथ ऋण दिया था। ल्यूक और एलेक्स ने आदेश लागू करने के प्रयास के रूप में कई अपराध मालिकों की हत्या कर दी, और ल्यूक ने वुल्फ के जासूसी दोस्त को गंदे पुलिस के रूप में उजागर करने के बाद छोड़ दिया। ल्यूक सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रयासचित के रूप में निर्वासन का जीवन जी रहा है। चेमियाकिन के फोन का उपयोग करते हुए ल्यूक वसीलों को सेट करता है, जिसे वह अपहरण कर लेता है। एमिल अनिच्छा से अपने बेटे के जीवन के लिए एक सौदा को स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि मई का नंबर चाउंटेन में $30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को अनलॉक करता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी की सामग्री को नहीं जानता। तिजोरी में जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। ल्यूक वुल्फ और उसके जासूसों को भर्ती करता है, साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई ट्रैड गैंगस्टर से लड़ाते हुए, जैसे कि ल्यूक उसे खेलने वाला है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक शेष जासूसों को मारता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसा का उपयोग करते हुए ल्यूक ने मई को बचाने के लिए एलेक्स को रिश्वत दी, जो अब मेयर का सहयोगी है और प्रेमी है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सेफ इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि 1 hour and 34 minutes की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छी लग रही है अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें।